जय हिंद। चलिए इस वीडियो में जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट टू। पार्ट वन इस वीडियो के पहले ही हम लोग जान चुके थे और कुछ दिन हो गया, फिर भी चलिए पार्ट टू जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट टू। तो डायरेक्ट यहाँ पे टू लिख देते हैं, या लिखते हैं नहीं लिखते थे चैनल पे मिल जाएगा, यहाँ पे हटा ही देते चैनल पे मिल जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट टू मिल जाएगा। अब आते हैं वहां पे कंप्लीट हो गया था, भोजन को कहाँ पे लेके आ गए थे, भोजन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो भोजन माउथ से स्टार्ट हुआ था, मुंह से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कहाँ तक आ गया था, स्टोमक तक आ गया था, समझ गए। भोजन कहाँ तक आया था, तो भोजन कहाँ तक आया था, तो भोजन स्टोमक तक आ गया था। स्टोमक बोलते हैं इसे, या जे शेप भी बोलते हैं, स्टोमक को जे शेप बोलते हैं। देखिए जे की तरह ही है, फिगर अच्छा से ना बना है, इसलिए कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे जस्ट समझने की बात है, टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। देखिए फिगर ना बना है, यहाँ पे समझना है, ना ही यहाँ पे ड्रॉइंग करना है, समझ गए ना। अच्छा स्टोमक को क्या बोलते हैं, स्टोमक भी बोलते हैं या जे शेप भी बोलते हैं, एंडोमेन भी बोलते हैं, समझ गए ना। उसका पूरा पूरा एथी हो जाता है, उसको छोड़िए वो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अच्छा इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, फूड पाइप, ये क्या था, फूड पाइप था, समझ गए, फूड पाइप या ओसोफेगस बोलते हैं, ओसोफेगस, फूड पाइप या ओसोयो ओसोफेगस बोलते हैं उसको। ऐसे क्या बोलते हैं, स्टोमक, स्टोमक एक ऐसा शेप रहता है, स्टोमक को जे शेप रहता है। अच्छा स्टोमक का कितने पार्ट रहता है, तो स्टोमक का तीन पार्ट बांटा गया है। मान लीजिए ये कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और जस्ट उसके बाद क्या आता है, थर्ड ही ना आता है, फर्स्ट सेकेंड उसके बाद क्या आता है, थर्ड आता है। चलिए फर्स्ट पार्ट के क्या नाम है, तो फर्स्ट पार्ट के कार्टिक्स नाम है, समझ गए, क्या नाम है, तो फर्स्ट पार्ट के क्या नाम है, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट का कार्डिक नाम है, कार्डिक्स, कार्डिक्स का क्या काम रहता है, चलिए हम लोग मिलने जाते हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में रहता है कार्डिक, तो कार्डिक का क्या काम रहता है, तो मेनली कार्डिक का कोई ज्यादा काम नहीं रहता, मेनली कार्डिक का क्या काम रहता है, जब खाना यहाँ पे आया, यहाँ पे फूड पाइप या ओसोफेगस से आया, स्टोमक में इंटर किया, तो स्टोमक में इंटर किया तो फर्स्ट पार्ट में आता है ना, जब कोई भी आएगा तो फर्स्ट पार्ट में ना पहले आएगा, तो फर्स्ट पार्ट में आया तो कहाँ आया, तो खाना कहाँ आया, तो कार्डिक्स में आया, कार्डिक में खाना आ गया, तो उसमें क्या रिलीज होता है, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है तो खाना को अम्लीय बना देता है, समझ गए ना, खाना में पूरा मिक्स हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो जाता है, इसीलिए खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों, ऐसे मान लीजिए आप खाना खाए और पानी पिए, जब खाना खाए तो पानी पिए, तो जब खाना आया तो पानी भी ना आएगा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, तो यहाँ पे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ, यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा है, आप पानी बहुत ज्यादा पी लिए, खाना थोड़ा खाए, तो पानी में मिल जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब मिल जाता है तो पंचुछुल हो जाता है, जब पंचुछुल हो जाता है ना, तो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा तकलीफ होती है, मतलब देर लगती है, डाइजेस्ट तो हो ही जाएगा लेकिन थोड़ा देर लगती है, इसीलिए खाना खाने के कुछ देर बाद पानी पीना चाहिए, समझ गए। अच्छा अब आते हैं कार्डिक्स, कार्डिक में तो सिंपली हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो खाना को मिक्स आता है, जो खाना को अम्लीय बना देता है। और सेकेंड पार्ट क्या नाम है, सेकेंड पार्ट के क्या नाम है, चलिए अब हम लोग जानते ही सेकेंड पार्ट में क्या नाम है, तो सेकेंड पार्ट का नाम है फंडिक, समझ गए, सेकेंड पार्ट के क्या नाम है, तो सेकेंड पार्ट का नाम है फंडिक, फंडिक, स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दीजिए, गलत भी हो सकता है, मान लीजिए स्पेलिंग क्या है, समझने से मतलब रखना चाहिए, समझ गए ना। आता है फंडिक, फंडिक का क्या काम रहता है, मेनली फंडिक का काम रहता है सेकेंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट से आप क्या पार्ट में आ गए, सेकेंड पार्ट में आ गए। अच्छा फंडिक का क्या काम रहता है, तो फंडिक का काम रहता है दो काम रहता है, तो रोगी फंडिक में ही आता है, समझ गया, फंडिक में ही रोगी आता है, रोगी 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 इस तरह मतलब पेट में इस तरह रहता है, ये खड़ा रहता है, जब भोजन को आज फंडिक में ही खाना को पेट में कितने घंटे तक रखते हैं खाना में, तो खाना को पेट में चार घंटों तक रखते हैं, मिली चार पांच घंटे तक रखते हैं लगभग, मान लीजिए खाना कितने तक रहते हैं, तो खाना चार पांच घंटे तक रहते हैं, कौन सा पार्ट में रहता है, मान लीजिए पेट में तो रहा लेकिन पेट का कौन सा पार्ट में रहा, था पेट के सेकेंड पार्ट में रहा, सेकेंड पार्ट का क्या नाम है, तो फंडिक नाम है सेकेंड पार्ट का नाम। अच्छा उसी में क्या आता है, रोगी, वही खाना को इस तरह कांटा की तरह रहता है, यहीं पे खाना ऑब्जर्व रहता है, समझ गए।
रुकी का क्या काम रहता है? अच्छा इसी में एथी होता है सम रुगी, रुगी में ही और एक और चीज रिलीज होता है जो म्यूकस होता है। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो गया थोड़ा पहले पेट में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो गया किस पार्ट में रिलीज हुआ? तो फर्स्ट पार्ट में रिलीज हो गया। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? तो कार्डिक नाम है, समझ गया। अच्छा तो यहाँ पे जब रिलीज हुआ तो फर्स्ट मान लीजिए ये पेट है, यहाँ पर रिलीज हुआ तो आलियारी तो मान लीजिए जला देगा, ऐसे एसिड रखते हैं कहीं पे जमीन पर रखते हैं तो जमीन को खोला देता है, इसी तरह यहाँ पर भी तो जला देता है, तो हमारे पेट को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? तो यहाँ से रिलीज होता है किसमें? फंडिंग पार्ट में रिलीज होता है, पेट के सेकेंड पार्ट में फंडिंग जो बोलते हैं ना उसमें रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? तो एमजी रिलीज होता है, एमजीएचओ2 रिलीज होता है, सॉरी एमजीएचओ2 रिलीज होता है, सॉरी एचओ ना ओएच होता है ना, मिस हो गया था, सॉरी एमजीओएचओ2 होता है। ये क्या रहता है? बेस रहता है, वो क्या रहा? एसिड इछार रहा। बेस को हिंदी में बोलते हैं छार, ये क्या है? बेस रहता है। और यह कहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, किसमें रिलीज होता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, समझ गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या रहता है? तो अम्लीय रहता है। अच्छा तो ये इतना ही रिलीज करता है MgOH2, इतना ही रिलीज करता है जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पड़ता है ना तो उसको मारकर न्यूट्रल कर देता है, समझ गए। यह ज्यादा रिलीज कर देगा ना तो जिसका देखते हैं ना, मान लीजिए दो आदमी लड़ रहा है, एक बहुत ताकतवर है एक थोड़ा कम ताकतवर है, तो कौन जीतेगा? सीधी सी बात है, जो ज्यादा ताकतवर है वही जीतेगा। क्या आदमी तो दोनों है, ताकतवर तो दोनों है, लेकिन कोई ज्यादा है तो कोई थोड़ा कम है, तो जो ज्यादा ताकतवर है वही ना जीतेगा। उसी तरह मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा निकलेगा तो पेट को तो फिर भी इफेक्ट पहुंचा देगा, तो यह इतना ही मात्रा में रिलीज करता है, समझ गए ना। जितना मात्रा में मान लीजिए पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ तो ये दोनों लड़ा, मान लीजिए ये इधर से लड़ा और ये इधर से लड़ा, जब एक को दोनों में टकराएगा तो क्या तो फॉर्मेशन करता है? तो न्यूट्रल हो जाता है। जब न्यूट्रल हो जाता है तो पेट को कोई हानि नहीं पहुंचती है, समझ गए ना किस तरह न्यूट्रल होता है। चलिए फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है? कार्डिक्स नाम है। सेकंड पार्ट का फंडिक नाम है। उसमें रुगी रहता है जो खाना को लगभग चार पांच घंटे तक मतलब स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है, खाना चार पांच घंटे तक रुकता है, अच्छा से उस पे मिलता है, समझ गए। अच्छा MgOH2 रहता है बेस जो न्यूट्रल कर देता है, जो पेट की परतों पर नहीं कुछ फर्क पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट का क्या नाम है? थर्ड पार्ट का नाम है बता देते हैं पाइलोरिक नाम है थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट का पाइलोरिक नाम है। पाइलोरिक स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पाइलोरिक नाम है थर्ड पार्ट का, समझ गए। थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। इसमें से क्या रिलीज होता है? तो इसमें से रिलीज होता है पेप्सिन रिलीज होता है, जो किसको तोड़ता है? तो पेप्सिन जब रिलीज होता है वो प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? तो प्रोटीन को, पूरी तरह से प्रोटीन यहां पर भी नहीं पचता है, पेट में पूरी तरह से प्रोटीन नहीं होता है, पूरी डाइजेशन प्रोटीन मतलब खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता है पेट में, समझ गए ना। ये तो खाली मतलब तैयारी होता है पेट में डाइजेस्ट होने के लिए, समझ गए। अच्छा पेप्सिन निकलता है जो प्रोटीन को पचाता मतलब पचाता है। अब आता है रेनिन, समझ गए। रेनिन का क्या काम है समझिएगा, यह बहुत ध्यान देने की बात है। रेनिन का क्या काम है? रेनिन का काम है ना दूध को, मिल्क कन्वर्ट टू कर्ड, दही दूध से बदलना। देखिए रेनिन का काम क्या है? दूध को दही में बदल देता है।
जैसे मिल्क कन्वर्ट टू कर्ड्स, दूध से दही में बदल देता है। जैसे कि कोई बच्चा है, जो छोटा बच्चा है जो दूध पीता है, समझ गए, वो दूध पीता है तो उसको मतलब एथी न रहता है कितना हमको पीना चाहिए, वह जितना दीजिए वह पीते रहता है दूध। जब दूध पीते रहता है तो यहाँ यहाँ पे सब प्रोसेस से आगे आ गया। जब थर्ड पार्ट में आया, पेट के थर्ड पार्ट में आया, थर्ड पार्ट के क्या नाम है, तो थर्ड पार्ट के नाम है पाइलोरिक। पाइलोरिक में आया था जो प्रोटीन था वो पेप्सिन रिलीज हुआ था, प्रोटीन को थोड़ा पचाया। अच्छा, उसके बाद आया रेनिन। रेनिन जैसे कि मिल्क हो गया को कर्ड में बदल देता है। जैसे कि वह दूध पिया, दूध तो पिया, और उसके बाद जब देखते हैं, जब लड़का, जब बच्चा सब, कोई बच्चा रहता है तो वो बकोरता है, वोमिटिंग करता है, तो वो जब दूध पीता है तो वोमिटिंग करता है, थोड़ा थोड़ा फटल पड़ता है, इतना इतना दही की तरह रहता है। क्यों? यह रेनिन का काम रहता है, जो दूध रहता है उसको दही में कन्वर्ट कर देता है। जब ज्यादा हो जाता है टीचर ऊपर में फेंक देता है, जो वोमिटिंग कहते हैं उसे, समझ गए रेनिन का क्या काम है। अच्छा, रेनिन का काम समझ गया, पेप्सिन का काम समझ गया। अच्छा, अभी है पेट में ही, पेट थोड़ा डीपली चलते हैं, पेट में ही है हम लोग सर। सबसे पहले पेट को क्या बोलते हैं, स्टोमक, ये तो बात सही है ना। हाँ, जेसेप भी बोलते हैं पेट को, जेसेप की तरह रहता है। आगे फर्स्ट पार्ट के पेट में कितने पार्ट होते हैं, तो पेट में थर्ड पार्ट रहते हैं। थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है, तो फर्स्ट पार्ट का नाम है कार्टेक्स, सेकेंड पार्ट का फोंडिक, थर्ड पार्ट का पाइलोरिक। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, क्या खाना को अम्लीय बनाता है। अच्छा, सेकेंड पार्ट में क्या होता है, रोगी जो खाना के चार पांच घंटे तक, लगभग चार पांच घंटे तक खाना को ऑब्जर्व करके रखता है, मतलब रखता है, उसे जमा करके रखता है। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या है, पाइलोरिक, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड भी इसे बोलते हैं, जो पेप्सिन रहता है, जो प्रोटीन में तोड़ता है, रेनिन रहता है, जो मिल्क को दही में कन्वर्ट करता है। अच्छा, चलिए ये उतारना है तो उतार लेंगे, समझ, आशा करता हूँ, आशा करती हूँ कि समझ गए। आई होप डू यू अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे, अगर उतारना है तो उतार दीजिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं, इंटेस्टाइन्स में चलते हैं। अभी यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ से क्या होता है, इंटेस्टाइन्स स्टार्ट होता है, तो इंटेस्टाइन्स का फिर बताते हैं, देखते हैं क्या होता है, अगर ये उतारना है तो उतार लीजिए।